हाँ भाई बता कितने पैसे? देखिए सर जी 30,000 लग जाएंगे। अबे दिमाग खराब है तेरा, 30,000 लग जाएंगे हैं? तू बोरवेल खोल रहा है या फिर तू बांध बना रहा है ये बता। जमीन में छेद करने के इतने पैसे कहाँ लगते हैं ये बता दे तू। अरे सेठ जी दिल्ली शहर है, 20 फुट खोदने के बाद भी ना जमीन सूखी ही निकलेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चल एक काम कर, तेरी ना मेरी 15 लगा ले बस खत्म कर। अरे सेठ जी आप समझ नहीं रहे, इसमें मेरा कुछ नहीं बचेगा, उल्टा ये जमीन इतनी पथरीली है ना, ये मेरे मजदूरों के पसीने छूट जाएंगे। अबे मजदूरों के पसीने छूटेंगे, तेरे थोड़ा ही छूट रहे हैं, समझा कर। सेठ जी जब मजदूरों के पसीने छूटते हैं ना तो सरकार के भी पसीने छूट जाते हैं। भाषण भाषण बाय गॉड, कंजूसी कम करो, दे दो यार। देखो ये आपकी बेटी कितनी समझदार है करोलबाग। 1 रुपया मत देना इस गधे को। सॉरी सॉरी कैन नॉट प्लेस, लेता हूँ मैं थोड़ा। काम कर अपना तू। पूरी दिल्ली में हर बार यही मिलता है आपको? अरे सस्ते में करता है मालूम है, बाकी के बहुत पैसे लेते हैं। पता नहीं इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ पे। क्या कह रही है तू? जी मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके पड़ोसी है ना ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी हमारी टंकी बार बार खत्म हो रही है। कैसे? लेकिन वो तो अब रात को छत पर जाकर ही पता चलेगा पापा। पता चलेगा कि आखिर ये लोग हमारी टंकी के साथ कर क्या रहे हैं। पुराने कमरे में से पानी कहाँ से आ रहा है? कहीं हमारी टंकी का पानी? नहीं नहीं यहाँ से कैसे लीक होगा? अगले सीट पे यहाँ से कोई बड़ा सब मजा आ गया है। अबे जीजे कल तैयार रहियो भाई, कुछ लोग आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। फिर मैं कोई हुमायूं का मकबरा हूँ? तो लोग मुझे देखने आ रही हैं। अबे लड़की वाले आ रहे हैं देखने भाई। हाय जेकब हुआ, भूल गई 28 साल पहले हुआ था जच्चा खाने में, बात कर रही है यार। नानू मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ लड़की देखने वाले आ रहे हैं, ये प्रोग्राम कब हुआ? हमारे खुर्जे में तो कभी ऐसा नहीं होता, नेवर हैपन। होता तो हमारे यहाँ भी ना है, पर हो गया सडनली। क्या कर रहे हैं यार ये लोग, ये इनकी टंकी हमारी, इलेक्शन क्या है यार, पानी खत्म हो रहा है बार बार। हमारी टंकी में छेद करके ऐसे पानी
लगा कर रखा है। फटीचर जीजा यहाँ से फटीचर गिरी करके हमारा पानी चुरा रहा है, इतना बेशरम है। और ये इस फटीचर को फटीचर नहीं बना देना तो मेरा नाम भी यहाँ पे है। माय गॉड, मेरा नाम कौन सा श्रद्धा कपूर है जो चेंज करने से मुझे फर्क पड़ेगा? लेकिन इसको जरूर फर्क पड़ेगा, जो मैं जीजा की तो। लेकिन बाबा वो किस घराने के हैं, किस खानदान के हैं वो, मतलब कौन आ रहा है मुझे देखने? वो है ना सादरे वाले फूफा जी, उनकी लड़की देखने आए थे, सुना बात जमी नहीं उनसे। मतलब उन्होंने उनकी लड़की को रिजेक्ट कर दिया तो आप मुझे चिपका रही हो हैं? मम्मी मैं किसी बन्नाट लड़की शादी करूंगा। नो नो, बातें कर रहे हैं बन्नाट, पूरा खानदान बन्नाट है उसका, लड़की के बाप के ना अमेरिका में शोरूम में गाड़ियों के बातें कर रहा यार। किस्मत की रख है। ठीक है बाबा, मैं एडजस्ट कर जाऊंगा, आप बात बढ़ाओ। बस एक बार अमेरिका में गैराज खोलने का मौका मिल जाए। अरे वाह, तू वहां जाके भी गैराज खोलेगा? कमबख्त मारे आगे भी तो बढ़ ले, गो अहेड। ओके मम्मी, मैं ससुर जी से बात करूंगा, हम शोरूम खोल लेंगे अमेरिका में। तू खुश है ससुर जी? तेरे तो मैं शोरूम खुलवाऊंगी अमेरिका में। लेकिन पापा हाँ? एक बात भेज में बैठ नहीं रही है। कौन सी बात? भाई कर लो पहले। तुम कह रहे हो कि ये ऐसे हाई फाई हैं, अमेरिका लंदन दिस दैट, तो मतलब सादरे वालों ने क्यों रिजेक्ट कर दिया इनको? अबे उनकी क्या औकात रिजेक्ट करेंगे, ये इतने बड़े लोग हैं, बड़ा खानदान, अबे इन्होंने रिजेक्ट किया होगा उसका यार। मम्मी कहीं मैं रिजेक्ट हो गया तो मतलब? अबे ऐसे कैसे रिजेक्ट कर देंगे हैं मेरे लाल, हमने कच्ची गोली नहीं खेली है। हमारा जो दोस्त है ना, उसने तेरी बड़ी तारीफ की है, झूठी झूठी। लेकिन झूठी मतलब कितनी झूठी तारीफ? कि उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि मैं स्वयं इस इलाके का एमएलए हूँ? बस तारे भी उतनी दी जावे जितना तेरे तस्वीर के ठोकरे में ना फिट हो। बात कर रहा है, एक बार ये रिश्ता पक्का हो गया ना, मैं तो लंदन शिफ्ट हो रही हूँ इस घटिया जगह से बहुत दूर। हाय मेरी झल्लो, घटिया से याद आया, अपने पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके उस क्राइम पेट्रोल को। बेटा लेकिन मुझे तो पता चल गया और अब बजाऊंगी मैं तेरी बैंड। वैसे नानू ये लोग कितने बजे आ रहे हैं? व्हेन कमिंग? वो आएंगे सुबह 9 बजे। फिर तो मैं 4 बजे ही नहा लूंगी। अरे हाँ मम्मी प्लीज, इंटरनेशनल लेवल की बात है तो अब लड़की वालों के सामने ऐसे खुजली करना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, अमेरिका में कोई बदन न खुजाता? नो बॉडी स्क्रैचिंग। तुम्हारे लेवल का नहीं खुजाते मम्मी, मतलब प्लीज मम्मी। ठीक है ना लो। खुजली आंटी, कल तो आप नहीं नहा पाओगी, और ये आपकी योर्स ट्रूली सीपी का वादा है। अब बस सबसे पहले इनकी टंकी में छेद कर देती हूँ जाकर, बेशरम लोग। सुन यार पापा, कितने गंदे हो, मुझसे ब्रश निकाल के बात करो। पानी नहीं आ रहा है, सारी उम्मीदें लुट गई भाई। तो झुल्लाओ फिर, कान में बात सुनो। क्या हुआ? अरे कान में बात सुनो ना, इधर आओ। अब तू भी ना एकदम सुबह ही सुबह। हाँ बता। ले बेटा कैसे तू, देख एक बार बताऊं, तू ये सब मत कर बेटा, किसी का घर बस जाने दे, किसी का घर क्यों उजाड़ रही है? गणित आता है? आता है। अपना मैं जवान हो गई हूँ। लेकिन मेरे लिए तो अभी भी बच्ची है तू। स्याप्पे है, बाय गॉड, यहाँ पे मेरी शादी की उम्र हो गई और आप लोग को अभी भी मैं बच्ची लगती हूँ यार। दिस इज नॉट फेयर पापा। बेटा एक बार बताऊँ तुझे, अगर तू बूढ़ी भी हो जाएगी ना तो भी हमारे लिए बच्ची रहेगी। मतलब मेरे बुढ़े होने तक आप मुझे कुंवारी रखेंगे? अरे नहीं बेटा, तेरी भी शादी होगी। तेरी भी शादी होगी, तेरी भी शादी होगी, तू भी इस घर से जाएगी। जब मैं इस घर से जाऊंगी ना तो यहाँ पे एक मेंबर कम होगा, राइट? राइट।
उसे कमीने जीजा की शादी होगी ना तो वहां पे एक मेंबर ऐड होगा और यहाँ पे रह जाएंगी मेरी अम्मा अकेली। तोड़ दे इस घटिया लड़के की शादी तू। इसलिए ना मैंने हम दोनों की टंकी खाली कर दी और ड्रम और बाल्टी में पानी भर लिया हमारे लिए। अब जाके नहाओ, मजे करो। अरे क्राइम पेट्रोल शर्मा बाहर आ, बाहर निकल। ए ए कहां भाई? अ कनॉट प्लेस। ले शुरू हो गए ये लोग कीड़े मकोड़े, पानी नहीं मिला तो। अरे चल 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 यार, बात तू कहां जा रही है? अरे कहां जा रही है? अरे चुप रहो यार, बात कर रही है यार। अभी राहु काल चलना है। कैसी लड़की, मुझे रोक मत लेना आज। ना ना रुको, अब कहां है बे? देखा क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? यही पापा, यही है वो जिसने हमारी टंकी में छेद किया है। ए जा बे, छेद करना तुम लोग की आदत है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, बेशरम। तो किसकी थाली से खा लिया हमने? किसकी थाली में छेद कर दिया? उल्टा तूने हमारी टंकी में छेद किया है। मैंने कोई छेद वेद नहीं किया है, प्लीज। ओ लड़की झूठ बोल रही है, आज से इतना बड़ा छेद हमारी टंकी बात कर रही है। जस्ट बाय द वे, छेद तो हमारी टंकी में भी हुआ है, किसने किया? हमने किया। हमने किया क्या? कैसी बातें कर रही है बेटी? हम पे इल्जाम लगा रही है हम पे। हमें किसे बताऊंगा कि किसने कहा कैसे कैसे छेद कर दिया तेरी टंकी में? क्यों, छत पर तुम ही लोग रहते हो ना? हाँ रहते हैं हम छत पर, रहते हैं हम छत पर, लेकिन कभी किसी दूसरे की टंकी को बुरी नजर से नहीं देखा हमने। ए जा चौधरी मत बन मेरे सामने। ना इस मोहल्ले की चंड चौधरायन देख तू ही है। हां हूं मैं चंड चौधरायन, डू यू हैव एनी इश्यूज विद इट? अरे बेटा क्यों लग रही है इन लोगों के मुंह है, जल्दी से नहा धो और अपनी दुकान खोल। एक सेकंड बोल, टंकी तो तुम्हारी भी खाली है, तो फिर ये नहाने धोने का प्रोग्राम कैसे चल रही है? ऐसा बेटा, मैं अपने घर में ना मेघ मल्हार गा रहा हूँ, उसी से बारिश हो रही है और उसी से हम सबका नहाना धोना हो रहा है। जरूर। अरे कोई थोड़ी सी बारिश हमारे यहाँ भी बरसा दो, वो क्या है कि कई घंटों से नहा ही नहीं हूँ मैं। हमारी खुर्ची में आज तक ऐसा ना हुआ, नेवर हैपेंड यू नो। नमस्कार भाभी जी, अपने हस्बैंड से बारिश करवा लीजिए आप। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, लाइक नमस्ते, दो बाल्टी पानी दिला दो प्लीज, जस्ट टू बकेट्स ऑफ वाटर। खुजली आंटी, बिजली आंटी, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, सॉरी। मम्मी फॉरगेट इट, जो लोग खुद दूसरों का पानी चुराते हैं वो क्या हमें खाक पानी देंगे? दिल्ली पे राज करता है बेटा तुम्हारा मम्मी, एक इशारे पे नदियां बहा दूंगा। लौंडा मेरा गोल्डन है। My golden boy. मम्मी गुलदार गुल्लू क्या हो गया? सुबह सुबह कौन से भेड़िया तुम्हारी मुर्गियों को उठा के ले गए जो इतना चिचिया रहे हो? बेटे मुर्गे मुर्गियां तो सही सलामत हैं, बस इस मेन मुर्गी पे डाउट है मुझे कि टंकी में चोंच मारकर सारा पानी सुड़क गई है। अच्छा जी, जब आओ लौंडे, दो बाल्टी पानी लिया, बगल वाले नाले से भर लो। कंबख्त मारे, नहाने के लिए मांग रहे हैं, यू नो फुल बेदिंग। तभी तो बोल लिया आंटी जी। अच्छा अबे सूखी झील, तू मेरी मम्मी के लिए नाले से पानी लाएगा? किसी के बदन में ज्यादा खुजली होती है ना, तो बस तीन चार बार नाले के पानी से नाले ज्यादा नहीं। बस एक काम कर, गुप्ता के घर जा, बोलना जिंदल साहब ने भेजा है, दो चार बाल्टी पानी मंगवाई है, हम नहाए ना नहाए, लेकिन मेरी मम्मी का नहाना अर्जेंट है। या जो कि नहीं नहा पाएंगी, कम से कम आज तो नहीं। चल जा ना। जा रही हूँ ना। गो। यार मेघू, बच्चा नहीं हो रहा है यार। काहे बे? अबे हमें पता होता तो हम तुमसे पूछते बे, हैं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तुम खुदाई करो। तो तुम क्या करोगे? हम खुजाई करेंगे। करो बेटा। सनीचर ये कहाँ है बे? जब भी खुदाई करते हाथ में साला कचरा पट्टी आ जाता है, ऐसा नहीं कि कभी खजाना मिल जाए। ए
जितनी बार बोला नाले में नहा लो, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं दिमाग। पानी तो पर नहीं पहुंच पाया। अब बनेंगी पिछली आंटी से खुजली आंटी और खराब चीचा जी की शादी। मेरे देश की मिट्टी की खुशबू की बात ही कुछ और है। या आई लव इट टू। रियली? कम ऑन। Doing there? Comfortable? अरे अरे ये क्या कर रही है? हाथ कट जाएगा। मम्मी मुझे कंगन दिलवा दो ना। अरे ये अचानक कहाँ सोची तो को? अरे वो तितली की मम्मी है ना, उससे कंगन दिलवा रही हूँ, मुझे भी चाहिए। हाँ तो तेरे ब्याह में तेरा दूल्हा दिलाएगा ना? बस उसी दिन का तो इंतजार है मुझे। अरे सबर कर ले, कंगन दिलवाओ ना। ये खा बच्चों की तरह जिद करनी हैगी है? नहीं मम्मी, बच्ची नहीं, बल्कि मैं वो अभागी लड़की हूँ जिसके माँ बाप उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। अरे बस कर ड्रामा क्वीन, तू तो खुद इतने बड़े दुकान की मालकिन हैगी, उसे काहे पैसे मांग रही? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जब लड़की के माँ बाप उसे देना तब अच्छा लगता है, समझी मम्मी? हाँ हाँ ठीक है। कैसो कंगन चाहिए? काफी एंटीक दिखना चाहिए, है रॉयल फैमिली, एकदम खानदानी। प्लैटिनम का चौड़ा सा कंगन होना चाहिए। और वो जो पुराने जमाने में आपने तो देखा ही होगा जैसी वो होती थी ना नकाशी, वैसी नकाशी चाहिए। और उस कंगन में मोर, मोर भी बने होने चाहिए। ठीक है हाँ। पक्का डन? हाँ लीजिए लीजिए। वैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये दिक्कत हुई है, ये क्या बताऊं साहब, कि समझ लो कि जाहिलों के बीच में रह रहा हूं मैं। हमारी जड़ तो वैसे अलीगढ़ से है, और सन 1940 में हमारे दादाजी चोनी लेके आए थे यहाँ पे, चोनी लेके। आज भी वही मेंटेन है। कुछ कहा? मतलब सब बढ़िया चल रहा है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आप लड़के हो? जी लोग तो ऐसा ही कहते हैं। आपको मैं लड़की दिखता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि हमारी बेटी की शादी हम जिनके साथ कर रहे हैं वो जी जी ये हमारा लौंडा जीतू। जीतू नहीं पापा, जीजा जी। जीजा जी? अरे अभी से जीजा जी कैसे भाई? नहीं, नहीं। अभी कोई रिश्ता थोड़ी पक्का हुआ है। नहीं आप समझे नहीं, नाम है इसका जीजा जी। जीजा जी नाम है? ये कैसा नाम है भाई? जी नाम तो है जितेंद्र जामवंत जिंदल, शॉर्ट एंड स्वीट जीजा जी, इनिशियल्स ओनली। आप जामवंत? नो नो, माय सेल्फ बिजली देवी। जामवंत कौन है? आप है मिस्टर जामवंत जिंदल। लेकिन आप तो नन्हे हैं ना? नहीं, नन्हे लोग इन्हें लाड़ में बुलाते हैं, बट पेपर्स पे फॉर्मली मिस्टर जामवंत जिंदल। तो लड़के आप हैं? अंकल ऐसा करो, आप चेक कर लो, कोई इम्तिहान हो तो बताओ, मैं गुजरने को तैयार हूँ। अरे तो बेटा इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? अरे हम लड़के वाले हैं, हैं? पूछताछ तो करेंगे। अच्छा बेटा तुम एक बार बताओ क्या करते हो?
गाड़ियों का शोरूम है जी, शोरूम। कहाँ है शोरूम? शहर में है भाई। हाँ शहर में ही है, यही आसपास। भाई हम वो शोरूम देखना चाहेंगे। कहाँ पर है? मतलब शोरूम देखने की क्या जरूरत है अंकल? आपने तो कई बड़े बड़े शोरूम्स देखे होंगे अमेरिका में। खुद आपके एक आध शोरूम से मैंने सुना है शायद। शोरूम तो शोरूम है। अरे हमने बहुत शोरूम देखे हैं, हमारे खुद के दो शोरूम हैं, वो भी गाड़ियों के। सेम टू सेम अंकल, डिट्टो। आपके अमेरिका में हमारे इंडिया में थोड़े बेहतर होंगे शायद। लेकिन मेरे बेटे मैं तुम्हारा शोरूम देखना चाहता हूँ। भाई साहब आप अपने लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ करना चाह रहे हैं या शोरूम के साथ? शोरूम के साथ क्या? मेरा मतलब है कि लड़के के साथ भी और शोरूम के साथ भी। बस बहुत हो गया अंकल, आपने ऊपर आते वक्त देखा होगा एक खटारा गाड़ी लगी है, जीजाजी ऑटो वर्क्स, बस वही है हमारा शोरूम। मिस्टर नन्हे, आपने फोन पर हमसे झूठ कहा कि आपके बेटे का गाड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है। हा? नहीं मैं तो उसी को शोरूम कहता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.